ये देखो, ये है फोन। और हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो बनाने का कुछ खास मकसद है, क्योंकि आज डोडा की एक यूनिक जगह पे जा रहे हैं, जहाँ मतलब पूरा डोडा का आधे से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद होगा वहाँ पे। तो यहाँ से बहुत सारे लोग पहले जा चुके हैं, मतलब दो चार गाड़ियाँ और साथ में बाइक, 10-12 बाइकें जा चुकी हैं यहाँ से। मैंने जाना नहीं था, लेकिन माहौल को देख के मैं भी तैयार हो गया। तो अभी इसको कैमरा को हेलमेट लगाते हैं। सो बाइक स्टार्ट। सो अभी हम दशनान से निकले हैं, तो मेरे साथ मौसम भी है जो आगे आगे चल रहा है। आज कुंडियन से आगे मैं कभी गया नहीं हूँ, तो आज उस रोड पे भी जाऊँगा मैं। साथ में लाल रमड़ के लिए नई रोड बनी है, तो उस पे भी पहले कभी गया नहीं हूँ मैं। आज पहली बार जाना है मैंने। लोग बहुत ज़्यादा गए हुए हैं आज दशनान से ही। पहले एक मेटाडोर गई, 4-5 इकोज गई हैं, और साथ में कह रहे हैं कि 10-12 बाइक्स गई हैं। तो और बाकी शाम को मैं देख रहा था मोबाइल पे भी बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं वहाँ पे, मतलब तकरीबन मुझे लगा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे। डोडा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहीं पे है। तो होपफुली मौसम ठीक रहे, रहा तो अच्छा सिस्टम रहेगा। तो नहीं, अगर मौसम बारिश पड़ी तो फिर तो दिक्कत आने वाली सबको। बाकी मेरे को ये बताना रह गया कि हम आज लाल रमण में जा रहे हैं, जो मेला होने वाला है लाल रमण में। होने वाला नहीं, बल्कि वो कल स्टार्ट हो चुका है, आज ख़त्म हो जाएगा वो मेला। तो अगर मौसम ठीक रहा तो फिर शाम तक चलेगा, मौसम ठीक नहीं रहा तो फिर जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो मैं मेले में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तो बस अपने यार दोस्तों की वजह से निकल रहा हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त गए हैं इसलिए मैं जा रहा हूँ, वरना मेरा कोई मन नहीं था वहाँ जाने का। तो मेरा ओपिनियन ये है कि ऐसी जगहों पर बहुत सारे गुनाहों की शुरुआत होती है, बहुत सारे बड़े बड़े गुनाहों की, जैसे मतलब जो भी, चलो अपना अपना ओपिनियन होता है सबका। तो मैं तो इन सब चीज़ों से बचना ही चाहता हूँ, लेकिन अब क्या करें, दोस्त जब इतने सारे गए और सारे बोलने लगे आओ आओ आप भी, तो इसलिए मैं भी निकल गया। मैंने कहा चलो ठीक है, एक आधा घंटा दोस्तों के साथ जाते हैं, अदरवाइज़ मेरे को ज़्यादा कोई दिलचस्पी नहीं होता जाने में। अरे यार, अभी व्लॉगिंग का पूरा वो, मतलब हमें व्लॉगिंग एक हैबिट है जो कि हमारे अंदर नहीं है, और मैंने कैमरा माउंट किया है और ये जो है उल्टा दिखा रहा है, सारी वीडियो उल्टी बना रहा है। बट डजेंट मैटर, मुझे लगता है अगर वीडियो सही एंगल में होगी तो मैं इसको घुमा सकता हूँ। तो व्लॉगिंग की हैबिट बनाना बड़ी मुश्किल चीज़ है। सेटअप वेटअप सब बेकार चीज़ है, सेटअप की ज़रूरत नहीं पड़ती व्लॉगिंग में। मेन चीज़ है आपका टैलेंट और आपकी मतलब हैबिट बनाना, बस व्लॉगिंग की एक हैबिट जो बनती होती है। तो अगर बन गई आपको तो फिर कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपको व्लॉगिंग की हैबिट नहीं है, बस मेरी तरह कभी उल्टा कैमरा लगा दोगे कभी सीधा कैमरा लगा दोगे, क्योंकि साल में एक बार कैमरा निकालोगे तो फिर होना यही है। बट कोई बात नहीं, हमने इरादा किया है कि आज के बाद मतलब कंटिन्यू करेंगे इसको, अगर ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में 2-3 बार तो करेंगे। फ़िलहाल आज की देखते हैं, ये एंगल शेंगल होपफुली ठीक ही है, एंगल देखते हैं। अपनी तरफ से तो बेस्ट किया है, बस यही वीडियो उल्टी ही, इसका मुझे नॉलेज नहीं था। ओह भाई, इतनी गाड़ियां होने के बावजूद इतने लोग दर दर दिखे मुझे रास्ते में, ना बहुत ज़्यादा लोग दर दर हैं। भाई मैं तेज़ इसलिए चल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर गाड़ियों के पीछे पीछे चलूँगा ना, मेरी मतलब कुत्ते सी हालत हो जाएगी यार, सीधी सी बात है। मेरे को डस्ट कितनी उड़ रही है, रोड उतनी साफ ठीक नहीं है, ऑटो भी पहुँच चुके हैं ये देखो, बाइक वाले भाई
अरे यार ये गाड़ी वाला साइड नहीं देता इतनी आसानी से। ये देखो तीन तीन बंदे बाइक पे बैठे हुए हैं। इस बंदे ने तो मेरी बाइक का थोड़ा करवा दिया यार। फाइनली हम लाल रमड़ पहुंच गए और यहाँ पे बहुत सारे राइडर दिख रहे हैं हमें, जैसे कि आदाब सर, ठीक है आप? ठीक है, आप ब्लॉगर हैं? जी जी। क्या नाम है चैनल का? राइड विद ड्रीम्स। अच्छा अच्छा, और ठीक ठाक? बढ़िया से बढ़िया। और यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉगर दिखे हमें, जैसे कि हमें पता नहीं था रोड इतने ऊपर तक आती होगी, हमने बाइक नीचे छोड़ दी, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, बहुत ऊपर आए हैं इसलिए वापस नहीं जाएंगे। ये लोग देख रहे हो कितने, सो गाइस हम पहुंच गए यहाँ पे, मतलब लाल रमड़ का फर्स्ट व्यू देख रहे हैं और शायद डेवलपमेंट जब से हुई तब से मेरा फर्स्ट व्यू है ये। देखो Here is the view and here is our second mission cross the Friday Monday। थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद हमारे साथी जो उनको ढूंढेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे व्लॉग को। तो यहाँ पे ऐसे देखा है थोड़ी बहुत जो डेवलपमेंट हुई है और लोग हैं ज़्यादा, तो उसको ऐसे कुछ स्पेशल होता है तो बात अलग रही, लेकिन फिलहाल तो मुझे नॉर्मली लग रहा है सब कुछ, कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं लग रहा है, लेकिन चलो स्पेशल तो हमारे दोस्त हैं उनको ढूंढते हैं। तो मेला लगभग ख़त्म होने वाला है, लेकिन मैं वॉलीबॉल के साथ लग गया था वहाँ पे, मतलब वॉलीबॉल खेल रहा था अभी तक, तो मैंने पूरा घूमा ही नहीं। यहाँ बहुत सारी जगह हैं, अभी बॉल नीचे चला गया इसलिए मैं इधर निकला हूँ, साइड देखते हैं। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अच्छा इंतज़ाम किया गया यहाँ बच्चों को खेलने के लिए, देखो बड़े भी खेल रहे हैं यहाँ पे। मैंने तो देखा नहीं, मैं अभी आया साइड, यहाँ पे मुझे अपने दोस्त घूम गए कहीं। यहाँ पे फ़ोन भी नहीं लग रहा है, नेटवर्क भी नहीं है, इसलिए मुझे खुद ही चल के ढूंढना पड़ रहा है मौसम को, ऐसे अकेला मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ओह ये ऊपर अभी बहुत सारी जगह हैं जहाँ मैं गया नहीं अभी, अभी ऊपर जाते हैं। सुबह से मैंने देखा यहाँ पे जो एक बार मिल रहा है दोबारा वो मिलता ही नहीं है, हर बार मतलब नए चेहरे दिख रहे हैं। तो इस साइड मैंने देखा, इस साइड कुछ है नहीं, बस मतलब ग्राउंड है, साथ में टेंट टेंट लगे हुए हैं। यहाँ भीड़ लगी हुई थी, मैंने सोचा कुछ बहुत ज़बरदस्त होगा, लेकिन वहाँ खाली टेंट थे, बाकी लोग जो फोटो शूट उठा रहे थे, ज़्यादा कुछ था नहीं। लेकिन मुझे दो घंटे हो गए मौसम मिल नहीं रहा है, चलो प्यास बहुत लगी है मुझे, वो उस पार जाना है वो जहाँ पे वो टेंट लगे हैं क्वार्टर के उस साइड, वहाँ शायद पानी है, लेकिन मैं घूम के जाऊँगा, प्यास बहुत ज़्यादा लगी है। Here you can see crowd, कितना क्राउड है, और यही क्राउड हर जगह पे है, जैसे यहाँ पे है वैसे वहाँ पे भी है, और उस साइड ऊपर भी है, यहाँ पे भी है। तो बस इतना समझ लो सुबह से हर सेकंड एक नया चेहरा देखा है आज, और ये बड़ी मुश्किल से इनको ढूंढ के लाया मैंने नासिर भाई को, अभी एक बंदे की खबर लगी है उसी को ढूंढने निकले हम। तो यहाँ इस क्राउड में मेन चीज़ तो है, अगर फ़ोन चलता तो जल्दी मिल जाता, छोड़ के आया इस क्राउड में है ना? नहीं, मुझे लगता है पूरे मतलब घर बार सारा छोड़ के आ गए सारे के सारे, जैसे आप देख सकते हो इस साइड देखो कितना क्राउड है, यहाँ पे कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, मतलब अपने हिसाब से इंजॉय कर रहे हैं।
वहाँ पे भी वही क्राउड है, उस साइड भी सेम है, वहाँ पे अपना ही मेला लगा है, उस साइड है, उस साइड, मतलब हर जगह पे अपने हिसाब से एंजॉय कर रहे हैं लोग, अपना अपना वो बनाया हुआ है ग्रुप। और ना सिर्फ कितने लोगों का ग्रुप होगा एक जो इस साइड, तो 10-11-12 लोगों का ग्रुप, और फैमिली की ग्रुप होगा। अरे ये बोल रहा हूँ, ये जो सारे जमा हुए, ये ग्रुप कितने का होगा? ये तो बहुत सारे, बहुत सारे। अप्रॉक्स कितने होंगे? मतलब अप्रॉक्स ये होंगे कोई 200-300 का, 400-500 का ग्रुप है। 400-500 का ग्रुप, और ऐसे ऐसे कम से कम 20-25 ग्रुप्स हैं, मतलब हर जगह पे 20-25 नहीं, कम से कम 50-70-80 ग्रुप होंगे ऐसे। 70 मतलब ऐसे कुछ गिना किसने, लेकिन जहाँ भी गए वहाँ का। और ये आसपास हमें कौन मिला आज, दिखाएं आपको, दिखाएं नहीं हैं? ये देखो, ये है, कौन हो आप? बस शक्ल से ही पहचान लो, मुझे पता नहीं पहचानी जाएगी, जब मुंह धोएगी उसके बाद पहचान सकते हैं इसको। नहीं नहीं इतना मेकअप नहीं, नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ, इतना मेकअप नहीं किया। चलो ठीक है फिर, तो मतलब हर सेकंड एक नया चेहरा देख के थक गए बहुत। पहले मौसम से मिल लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो यहाँ पे ये था कुछ आई लव लाल रमट, साथ में झूला, तो झूले पे मैं नहीं चढ़ा, ये मुझे लग रहा है टूट जाएगा। और यहाँ पे तो जगह नहीं दे रहे हैं, बड़े बड़े लड़के भी इस पर चढ़ रहे हैं, लेकिन आई लव लाल रमट के साथ मैंने फ़ोटो उठाया। तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो मतलब इंतज़ामिया ने किए हैं अरेंज यहाँ पे। मैं अभी बहुत थक गया हूँ, तो मौसम भाई को ढूंढेंगे, उसके बाद वापस निकलेंगे। मौसम भी ख़राब हो रहा है, बारिश होने से पहले वापस जाना है, क्योंकि अगर बारिश पड़ी तो उसके बाद रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, दिक्कत आने आया, मतलब बहुत परेशानी आ जाएगी वापस जाते जाते। तो अभी बस पहले मौसम भाई को ढूंढते हैं, फिर यहाँ से वापस निकलते हैं। लाल रमड़ का मेला ख़त्म हुआ और अभी वापस जा रहे हैं। तो ये वो रोड है जो 2 दिन के अंदर तैयार की गई है, ये वाली जगह जो थी सारी बाइक से भरी हुई थी। हाँ, तो ये सारी जगह बाइक से भरी हुई थी और आगे लगभग 1-2 किलोमीटर गाड़ियों से भी भरी हुई थी रोड, इसलिए मैंने बाइक नीचे छोड़ी। मुझे पता भी नहीं था इतने ऊपर तक आती होगी बाइक, मैंने मुझे मतलब पहले थी नहीं रोड यहाँ तक। अभी वापस चलते हैं बाइक के पास।